हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा भी क्लास सेकेंड में है या फिर ओलंपियाड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वह किसी भी क्लास में ओलंपियाड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, तो यह वीडियो आपके बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा मोर अबाउट द कीबोर्ड, माउस एंड एमएस पेंट। इन तीनों चैप्टर से मैं एमसीक्यू लेकर आई हूँ, जो कि जनरल क्लास में एंड ओलंपियाड एग्ज़ाम में यूज़फुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट। माय नेम इज़ नीतू निगम। सो वन, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोसेस ऑफ डाटा, कौन से पार्ट में कंप्यूटर के डाटा का प्रोसेस होता है। ऑप्शन ए सीपीयू, बी आउटपुट, सी मॉनिटर एंड डी माउस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सीपीयू। क्वेश्चन नंबर टू, ऑन विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वी गेट आउटपुट, इनमें से कौन से पार्ट में हम कंप्यूटर्स के आउटपुट प्राप्त करते हैं। अर्थात बच्चों, जो हम कंप्यूटर्स पर लिखते हैं उसको हम आउटपुट के रूप में किससे प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए माउस, बी कीबोर्ड, सी प्रिंटर या डी सीपीयू। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी प्रिंटर। कंप्यूटर पर हम जो भी वर्क करते हैं उसे प्रिंटर के माध्यम से पेज पर हम उसको आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले ऑन अ मॉनिटर इज कॉल्ड, मॉनिटर पर जब हमें फाइनल रिजल्ट प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आउटपुट, बी इनपुट, सी प्रोसेसिंग या डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आउटपुट। क्वेश्चन नंबर फोर, कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इन, कंप्यूटर प्रोसेस डाटा कहाँ होता है। नंबर ए कीबोर्ड, बी सीपीयू, सी मॉनिटर या डी माउस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सीपीयू। कंप्यूटर प्रोसेस डाटा सीपीयू में होता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, इरेजेस कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर, राइट साइड के कैरेक्टर को इरेज करने के लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं। ऑप्शन ए डिलीट की, बी बैक स्पेस की, सी एंड की या डी एरो की। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डिलीट की। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ऐड ए स्पेस बिटवीन द वर्ड लेटर एंड कैरेक्टर, किसी भी वर्ड लेटर या कैरेक्टर के बीच हम ऐड स्पेस करते हैं, दोनों के बीच में स्पेस ऐड करते हैं, तो हम वो उसके लिए कौन सी की का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए स्पेस बार की, बी एंटर की, सी शिफ्ट की या डी डिलीट की। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्पेस बार की। स्पेस बार की से हम किसी भी वर्ड लेटर या कैरेक्टर के बीच में स्पेस दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, कैप्स लॉक लाइट इज लाइटेड व्हेन बी प्रेस, कैप्स लॉक में लाइट आता है जब हम प्रेस करते हैं, होम की, एंड की, कैप्स लॉक की या नम लॉक की। इनमें से चारों की में से कौन सी की को हम प्रेस करते हैं तो कैप्स लॉक की में लाइट जलती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कैप्स लॉक की को हम प्रेस करते हैं तो उसमें लाइट ऑन होती है, जिससे हमें पता चलता है कि कैप्स लॉक की ऑन है, उसके बाद हम उससे कैपिटल लेटर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एंटर की ऑन अ कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितने एंटर्स की होते हैं। ऑप्शन ए टू, बी फोर, सी सिक्स या डी वन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए टू। कीबोर्ड में टोटल टू एंटर कीज होते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इन, कंप्यूटर प्रोसेस डाटा कहाँ होता है। नंबर ए कीबोर्ड, बी सीपीयू, सी मॉनिटर या डी माउस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सीपीयू। कंप्यूटर प्रोसेस डाटा सीपीयू में होता है।
क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज टू मेक अ सर्कल। इनमें से कौन से टूल्स की मदद से हम सर्कल बना सकते हैं? ऑप्शन ए लाइन, बी ब्रश, सी ओवल एंड डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ओवल। ओवल से ओवल टूल्स की मदद से हम सर्कल बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज टू मेक अ स्ट्रेट लाइन। इनमें से कौन से टूल की मदद से हम स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? ऑप्शन ए ओवल, बी लाइन, सी रेक्टेंगल एंड डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लाइन। क्वेश्चन नंबर 12, विच एरिया इज यूज टू मूव ड्राइंग इन पेंट। कौन से एरिया में हम पेंट में ड्राइंग करते हैं? ऑप्शन ए कलर ग्रुप, बी ड्राइंग एरिया, सी टूल्स ग्रुप एंड डी इरेजर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ड्राइंग एरिया। क्वेश्चन नंबर 13, फाइल्स क्रिएटेड इन पेंट आर बाय डिफॉल्ट सेव एज। ऑप्शन ए डॉट txt, ऑप्शन बी डॉट pic, ऑप्शन सी डॉट png एंड ऑप्शन डी डॉट com। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डॉट png। क्वेश्चन नंबर 14, राज हैज ड्रॉन अ पिक्चर ऑफ ए स्कूल हैविंग ब्यूटीफुल ग्राउंड, ब्यूटीफुल प्ले ग्राउंड इट। नाउ ही वॉन्ट टू डैट राइट द नेम ऑफ द स्कूल ऑन हिज पिक्चर। विच टूल शुड बी यूज फॉर डैट। राज अपने स्कूल के एक ब्यूटीफुल प्ले ग्राउंड, एक स्कूल है उसके चारों तरफ प्ले ग्राउंड है, ऐसी एक ब्यूटीफुल पिक्चर बनाता है और वह चाहता है कि उस पिक्चर में वह अपने स्कूल का नाम लिखे। इसके लिए उसको इनमें से कौन से टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा? ऑप्शन ए इरेज टूल्स, बी फिल कलर, सी टेक्स्ट टूल एंड डी पेंसिल टूल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ए टेक्स्ट टूल। इसकी मदद से वह अपने पिक्चर्स में स्कूल के नाम को लिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, इंस्ट्रक्शन विच वी पुट इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। जब हम कंप्यूटर्स में कुछ इंस्ट्रक्शन पुट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आउटपुट, बी इनपुट, सी प्रोसेसिंग या डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इनपुट। जब हम कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शन पुट करते हैं तो उसे हम इनपुट कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं, और साथ ही प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।